शोभा यात्रा में हुआ ऐसा अश्लील डांस, गोपालगंज में जय श्री राम के नारों के बीच हुई अश्लील डांस, अश्लील गानों पर थिरकी बार बालाए, 2000 लोगों पर हुआ केस दर्ज। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लील आखिर डांस क्यों किया जा रहा है? भोजपुरी धार्मिक गानों और जय श्री राम के नारों के बीच बार बालाव का अश्लील डांस करते वीडियो सामने आया है, जबकि जिला प्रशासन ने पहले ही इस तरह के गानों और अश्लीलता को लेकर आगाह किया था। कड़ी हिदायत के बावजूद भी फूहड़ और भक्ति सभी गानों पर बार बालाव ने अश्लील डांस किया। दरअसल यह पूरा मामला बिहार का है, जहां गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा में जमकर अश्लील डांस हुआ। बारबालाओं ने जय श्री राम के नारों के बीच जमकर ठुमके लगाए। अश्लीलता परोसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया गया, धार्मिक आयोजन पर अश्लीलता फैलाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा की टोली पर डांसर फूहड़ गानों पर अश्लील डांस करती नजर आई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि डीजे की धुन पर अश्लील डांस हो रहा है। डीजे पर कहीं फूहड़ भोजपुरी गीत तो कभी भक्ति गीत बज रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर डांस अश्लील ही किया जा रहा था। इसका कुछ लोग खड़े होकर वीडियो भी बना रहे थे। मौके पर काफी तादाद में लोग जुटे थे, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या युवा, महफिल चढ़ती गई और ठुमके लगते गए। हैरानी की बात तो यहाँ ये है कि वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने इस तरह के अश्लील आयोजन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, ना ही कोई सवाल उठाया। आखिर क्यों आस्था पर अश्लीलता फैलाया जा रहा है? धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसे अश्लील डांस नहीं होना चाहिए। ये वीडियो मीरगंज से थाना क्षेत्र के मीरगंज शहर का है, जहां महावीरी अखाड़े की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई थी, जहां डांसर अश्लील गीतों पर जमकर ठुमके लगाती नजर आई। अश्लील डांस का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 150 लोगों के खिलाफ नामजद और 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। समाज में ऐसे आयोजन आम होते जा रहे हैं, इसी इस पर लोगों को सोचना चाहिए कि धार्मिक आयोजन पर सोचना चाहिए कि ऐसे अश्लील आयोजन ना करें। महावीरी अखाड़े का प्रचलन 18वीं सदी से शुरू हुआ। महावीरी अखाड़ा में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गांव और टोली द्वारा अलग अलग तिथियों को जुलूस निकाला जाता है और पारंपरिक तरीके से लाठी और डंडे का कर्तव्य दिखाने की परंपरा है। हनुमान जी के साथ ही अन्य देवी देवताओं को नगर भ्रमण कराया जाता है। इस साल इस धार्मिक मेला का आयोजन कर सामाजिक कुरीतियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा सावन की पूर्णिमा के दिन जिला मुख्यालय से शुरू होती है और अंततः चतुर्दशी के दिन इसका समापन होता है। परंपरा है कि अखाड़ा जुलूस आधी रात को निकालकर सुबह में समापन किया जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन मेला का आयोजन होता है। इसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन इस धार्मिक अखाड़ा को आज चंद लोगों के द्वारा मनोरंजन का रूप दे दिया गया है और बार बालाओं के साथ अश्लील डांस कराया जा रहा है। बता दें कि मामले में मीरगंज थाने छोटन कुमार ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने डीजे बजाकर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवाया और अश्लील डांस किया गया। इस मामले में 150 लोगों पर नामजद और 2000 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई हुई। इनकी तलाश की जा रही है, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।